कुछ काम के सिलसिले में क्रेडिट क्रंच की वजह से मुझे वापस वेस्ट मिडलैंड्स में जाना पड़ा और वहाँ पर लकीली हमारी एक छोटी सी 5-7 बंदों की टीम थी तकरीबन 2009-10 के दौरान, और उस टीम को हमने ज्वाइन किया। उस टीम को फिर हमने वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो भी मसाइल थे उनके साथ हमने काम किया, और उस उसी को ऊपर लाते हुए हम 2010-11-12 में हमारा 13 में हमारा पहला इलेक्शन हुआ, और 13 के इलेक्शन में जो पहला हमारा वेस्ट मिडलैंड में 2012 में इलेक्शन वेस्ट मिडलैंड में नहीं हो सका था, मेरे ख्याल उसके नंबर शायद मुकम्मल नहीं थे या कुछ तरह का मामला था। 2013 में हमारी जो फर्स्ट इलेक्टेड बॉडी बनी उसमें मुझे जनरल सेक्रेटरी के तौर पर लिया गया, और वहाँ से मैंने प्रैक्टिकली जो 2011-12 से वेस्ट मिडलैंड के अंदर काम करना शुरू किया। 2011-12 के अंदर जो है वो ये हमारा जो सफ़र था वो जारी हुआ, जो उसके अंदर हमने 2013 के अंदर जो हमने मेरा ख्याल टाइम भी कम है और आप मुसलसल मुझे देख भी रहे अली भाई, मैं जो है वो क्विकली आपको कहूँगा कि हमने अपने तौर के ऊपर वहाँ पर क्या किया। जब हमारी पहली 2012-13 में जब हमारी पहली मीटिंग हुई यूके लेवल के ऊपर, तो बीइंग सेंट्रल जो है वो रीजन हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि आप इस पहली मीटिंग को होस्ट करें, तो जो मामला जो यहाँ पे सुलझा हुआ मामला में बड़ा इज्जत मोहब्बत से प्यार से एहतराम से सारे बैठे हुए हैं वो मैं कुछ देख नहीं पाया। तो मैंने भी एक बार सोचा कि हमने किस चीज़ के अंदर जो है वो कदम रख दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल साउथ और नॉर्थ के थे। 2013 के अंदर बहुत सारे लोग विटनेस करेंगे कि वो जो मसाइल थे जो हमारी दूरियाँ थी वो बहुत करीब हम 2013 में ले आए। उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम किया, लेकिन हमने उसको फैसिलिटेट किया, सब लोगों को इज्जत भी दी, और लोगों ने भी खुद भी रियलाइज़ किया कि ये जो हम मामला जिस तरीके से कर रहे हैं इसका हमें या पार्टी को या पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं है, हम अपने खून जला रहे हैं। तो वहाँ से जो है वो एक 2013 में हमारी शुरुआत हुई कि जिसमें हमने पॉजिटिव लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। उसके अंदर 2013 में हमने इलेक्शन भी जो जनरल इलेक्शन जो भी कंक्लूड इस पिछले हफ्ते में हुए कि वो बिल्कुल बड़े साफ और मुनज़्ज़म और शफाफ हुए, तो उसके अंदर हमने जब कंपेन की तो हमने 13 वीक्स के लिए सैटरडे और संडे को हमने जो मेजर रोड्स हैं उसके ऊपर हमने कैंप सेटअप किए। हर सैटरडे को हर संडे को 10 से लेकर 4 बजे तक हमारे लोग हमारे एक्टिविस्ट में बाकी हमारे जितने भी साथी थे वो रेगुलरली वहाँ पे कैंप सेटअप करते थे और बैनर लगा के वहाँ से लोगों को जो लीफलेट्स थे जो मटेरियल था वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अवेयरनेस करते थे, डोर टू डोर शॉप्स के अंदर जाकर हमने जो है वो डोनेशन इकट्ठी की और वो पार्टी को हमने वहाँ पर भेजी। एक हमने वहाँ पर एक डेटा कलेक्शन का हमने एक सिस्टम रखा कि जो भी जितने भी लोग हैं वो जो वहाँ पर लोग आ रहे हमसे हमने उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली और हमने उनसे वादा लिया कि इलेक्शन से पहले आपने अपनी फैमिलीज को अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को आपने फ़ोन करना है और उनको कन्विंस करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बोल रहे हैं। तो ये हमें एक एक्सरसाइज जो है वहाँ पर हमने की और जिससे हमें काफ़ी वहाँ पर जो है वो लोगों की रीच भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो 5-7 लोगों के साथ जो सफ़र हमने तकरीबन 2012 में 11 में शुरू किया था वो तकरीबन पेड मेंबर्स की सूरत में बिटवीन 350-500 हमारी रेंज नॉर्मली ऊपर नीचे होती रहती है, और जो अनपेड मेंबर्स हैं या जो स्पोर्टर्स हैं एक्टिविस्ट हैं उनकी भी एक बड़ी कसीर तादाद जो है जिसको हम अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखते हैं। उसी साल के अंदर हमने 3 बड़े प्रोग्राम जो है वहाँ पर कराए, उसमें हमारा प्रोग्राम जो अब हमारी पार्टी में नहीं है जावेद हाशमी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनके साथ हमने एक प्रोग्राम किया और उनकी लेक्चर्स भी हमने सुने। मुराद सईद साहब पाकिस्तान से आए उनके लिए हमने अच्छा बड़ा प्रोग्राम किया। अली अकबर साहब KPK से आए हमने उनके लिए प्रोग्राम किया और अवेयरनेस और लोगों को रियली बताया कि हमारा वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर एक PTI एग्जिस्ट करती है और उसके लिए हमने
काम किया। उसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान दो कार रैलीज, एक रैली जो है वो इन एडिशन टू रैली जो लंदन से चली थी उसको हमने फैसिलिटेट किया, दो रैलीज हमने खुद वहाँ से की और लोगों को मोटिवेट किया, कारों के ऊपर झंडे वंडे लगाए, उस तरह का म्यूजिक लगाया, उस वक्त एक माहौल भी था और अच्छा उसका इम्पैक्ट जो है वहाँ पर भी आया। एक हमने प्रेजेंटेशन उसी प्रोग्राम में मुराद सईद साहब के जो प्रोग्राम था उसके ऊपर हमने एक प्रेजेंटेशन रन की कि जो जो चीज़ हम सेल कर रहे थे इलेक्शन के दौरान कि हम 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान को बदल देंगे और उसके ऊपर हमें बहुत क्रिटिसिज्म भी आ रहा था उस वक्त के ऊपर कि 90 दिनों में तो कुछ नहीं बदला, के पी के में जो है वो दूध की नहरें नहीं निकल रही वगैरह वगैरह। उसके ऊपर हमने एक बड़ी कंप्रीहेंसिव जो है वो एक प्रेजेंटेशन तैयार की और वो प्रेजेंटेशन जब लोगों ने विटनेस की, मुराद सईद साहब उसके अंदर खुद थे, तो उन्होंने ये शेयर किया कि मैं इस प्रेजेंटेशन को देखकर मतलब हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ कि लोग कितने फोकस हैं पाकिस्तान के अंदर और जो कुछ हमने किया कितना एक्टिवली लोग उसको देख रहे हैं और कितना लोग हमें अकाउंटेबल जो है वो समझते हैं कि ये चीज़ें हमने की हैं और इन चीज़ों के ऊपर हमने मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो वो एक हमारी जो है वो रोल था। उसके बाद हमने 2013 में बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट पहला 2013 के अंदर जो है वो उसके ऊपर काम शुरू हुआ और उसके ऊपर कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड। नॉर्मली यही होता है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस ले आते हैं, जो उनके ओपोजिंग पैनल होता है वो उसको मानता नहीं है और अगले सिरे से वही कहानी दोबारा से शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कमेटी जो उसका भी कंसेप्ट उसके अंदर आया, इस चीज़ के ऊपर हमने एक वाइटल रोल प्ले किया जिसके अंदर हमने जो भी जितने भी लोग थे उनको सबको साथ लिया, उसके अंदर सर्वेस किए गए, उसमें इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड और वो भी लोग कि जिनका इलेक्शन के ऊपर जो है वो शायद इतमाद ही उतना नहीं था, उन लोगों को भी ऑन बोर्ड लाया गया और उसके अंदर लाया गया। 2014 के अंदर हम इलेक्टेड पार्टी का हिस्सा नहीं थे, उसके बावजूद हमने अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखी, चाहे वो IDPs का मामला हो, चाहे वो जो है वो PTI के हवाले से फंड रेजिंग का मामला हो। तो IDPs के हवाले से हमने नॉन इलेक्टेड की सूरत में तकरीबन 8,000 पाउंड जो है IDPs के लिए अप्लाई किया। और इसी तरह हमने जितनी भी नेशनल लेवल की मीटिंग्स हुई, इवेंट्स हुए, हमने मेक श्योर किया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर हर इवेंट के अंदर और हर इलेक्टेड पार्टी की जो 2013 में हुई उसके अंदर हमने मेक श्योर किया कि हम इसमें ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट करें। फ्यूचर प्लान्स तकरीबन हमारे मसाइल वही हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, जो हमारे प्लान्स हैं जिस तरीके से हम चीज़ों को परसू कर रहे हैं वो चीज़ें हो नहीं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अगर नहीं हो रही थी उसके पीछे वजह क्या है। जैसा कि मैं जिस तरीके से इस चीज़ को लेता हूँ कि शायद हम जो है वो जल्दबाजी में कि मैं दो नंबर ले लूँ या मुझसे दो नंबर रह ना जाए, मैं किसी को पहले मिल लूँ या वो मुझसे पहले ना चला जाए, इस चीज़ के अंदर हम सारे लोग अप टू सम एक्सटेंट जो है वो एक क्लियर स्टैंड लेने की पोजिशन में नहीं रहते। हम इस सूरत में चले जाते हैं कि यार मैं जो है वो अगर नहीं गया तो वो फलां बंदा चला जाएगा तो ये काम हो जाएगा। इसी वजह से हमारी ये जो यूनिटी के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ हो, जो हमारी ऐसी स्ट्रेंथ के जिसके ऊपर हम काउंट कर सकें, ऐसी स्ट्रेंथ के जिसके ऊपर हमारे जो लेजिटिमेट जो कंसर्न्स हैं या डिमांड्स हैं उसके ऊपर हम अपना पावरफुली उनको इन्फोर्स कर सकें, तो मेरे नज़दीक आई थिंक दैट इज़ द मिसिंग फैक्टर। और उसके ऊपर हमें काम करने के लिए हमें जो है वो एक ऐसी पॉलिसी और हमारे दरमियान एक ऐसा कंसेंसस करने की ज़रूरत होगी कि हम जहाँ पर लोगों को ये बता सकें कि हमारे साथ अगर आपने काम करना है तो उसकी ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगी। ऐसे नहीं होगा कि जो भी बंदा आएगा हम उसको जाकर प्लेटफॉर्म भी मुहैया करें, उसके लिए प्रोग्राम भी करें, उसके लिए तालियाँ भी बजाएँ, उसके लिए सब कुछ मामलात करें और एंड ऑफ द रिजल्ट हम फिर साल के बाद जो है वहीं पे खड़े हूँ जहाँ से आज से 3 साल बाद खड़े थे। तो हमें जो रिस्पेक्ट है वो हमें फॉर ग्रांटेड नहीं मिलेगी, हमें रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी। उसके लिए जहाँ पे अगर हमारी लीडरशिप जो है फुट दबा सकती है तो हमें भी
अपना पैर दबाने में ज्यादा जो है वो हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये इसके अलावा बात है कि हमें किसी भी शख्स को किसी भी अपने लीडर को ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट दिस इज अगेन टू वे प्रोसेस। आपको इज्जत तभी देते हैं जब आपको इज्जत मिलती भी है, वरना आप एक बार देंगे दो बार देंगे इवेंचुअली आप उससे जो है वो अलहदा हो जाएंगे। तो ये मैं चाहूँगा कि हमारी जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज हैं वो अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करें, चाहे वो हमारी हमारी जो जो पैनल है ये आ गया था या जो मेरे मोहतरम भाई बैठे इनका पैनल आता है, हमें जो है हमारी क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें आ गया है हम मिलकर उसकी जो भी सपोर्ट हो सकती है जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उसके अंदर उसका पूरा रोल प्ले करें। हमारे बहुत सारे मसाल OIC के साथ हैं, फाइनेंस बोर्ड के साथ हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि OIC का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है और वो रोल जो है हम चाहते हैं कि वो रोल एक्सपोर्टिव रोल हो। हमें जहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम रोल उसमें एक्सेस होनी चाहिए, और जहाँ पर हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है या जहाँ पर हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं दे शुड बी एबल टू जो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको वो नीचे लेकर आए, जो हमारी पावर है उसको नीचे इलेक्टेड बॉडीज तक लेकर जाए। इसी तरीके से फाइनेंस बोर्ड के ऊपर जो है वो हमारी से होनी चाहिए। हमें मतलब ऑफिशियली आज 3 साल हो गए हमें कभी कोई एक फाइनेंशियल रिपोर्ट मुहैया नहीं की गई। अगर हम जाकर गवर्नमेंट से कंपनीज हाउस की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन हमारे साथ शेयर नहीं की गई। लेकिन हमने पिछले साल 4.5 लाख पाउंड जो है वो पाकिस्तान में हमने भेजा पार्टी के अकाउंट के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा हक बनता है कि एटलीस्ट हमारे साथ ये चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएं। इसी तरीके से जो CC के अंदर जो हमारे मसाइल हैं उसमें एक तो CC में हमारी रिप्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान में है उसको भी हाफ से कम कर दिया गया है। अब आज से पहले जो हमारा कंसेंसस था वो इसके ऊपर था और एग्रीमेंट था कि 2000 लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा पाकिस्तान में जाएगा। अभी जो न्यू डेवलपमेंट चल रही है वो प्रपोज कर रहे हैं कि हमारे 5000 लोगों के ऊपर एक मेंबर जाए। तो ये चीज़ें जो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हमें फर्मली स्टैंड लेना पड़ेगा और हमें क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम जो है हमें सिर्फ कैश काउ ना समझा जाए, हमारे लेजिटिमेट जो है रिजर्वेशंस हैं। और ये तभी हम कर सकेंगे कि जब हम क्लियर स्टैंड लेंगे उसके ऊपर खड़े होंगे, और उस वक्त ही हम पावरफुल हो सकते हैं कि जब हमारी मेजॉरिटी उसके ऊपर खड़ी होगी। अगर हम लोग यही करना शुरू कर दें कि अनवार भाई अगर किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम बैठकर उसकी मुखालफत शुरू कर दें तो ना हमारा फ़ायदा होगा, ना PTA UK का फ़ायदा होगा, ना पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो मेरी जो है मैं लास्ट मिनट में लूँगा कि इसके अंदर हम ये चाहेंगे कि जो भी आ गया है हमारी जो आपने बातें सुनी तकरीबन जो हमारे मसाइल हैं वो एक तरह के हैं, जो भी पार्टी आए हम अपनी तरफ से मैं अपनी तरफ से अपने पैनल की तरफ से मैं आपको मुकम्मल एश्योरेंस देता हूं कि जो केस टू केस जो भी मामलात हैं जिनके ऊपर हमारा कंसेंसस है हम 110% ना 100% 110% आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। CC के हवाले से कि CC बहुत ज़रूरी है, जब तक हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ये नहीं समझते कि हम कुछ ऐसा कर सकेंगे कि जिसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड लोगों का कंसेंसस हो। तो हमारी राय ये होगी कि बजाय इसके कि सिर्फ CC जो हम UK लेवल के ऊपर बनाएं जिसमें ना सिर्फ हम के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लें, जो हमारे रनर्स अप हैं अप टू सम क्राइटेरिया वो उन लोगों को इसके ऊपर लिया जाए। मेरी इसमें डिस्कशन डॉक्टर साहब से भी हुई है और लोगों से भी हुई है, जो लोग हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उन सबको उस कमेटी के अंदर होना चाहिए, उनकी से होनी चाहिए, नाम लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मैंने थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा ले लिया, इसके साथ में खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई के पास बड़े डिटेल फ्यूचर प्लान थे वगैरह।